केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है उनके बयान को उनके सियासी भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है दरअसल बीते रविवार को नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह में कहा था मैं देश में जब जैव विधन और वाटर शेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक है नहीं तो मुझे वोट मत दें मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूँ ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा हो रही है इससे पहले जुलाई 2022 में भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था और राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने की सोच रहे हैं तब तो उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है क्या यह समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए राजनीति महात्मा गांधी के जमाने से ही सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए राजनीति के अलावा जिंदगी में कई चीज़ें हैं जो कि की, की जानी चाहिए नमस्कार मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे लगातार नितिन गडकरी की खबरें सुर्खियां बनाती रहती हैं और ये भी कहा जाता है कि एक वरिष्ठ मंत्री जो मोदी सरकार में एक अहम रोल अदा करते हैं वो मोदी और शाह की जुगलबंदी से खफा हैं तो क्या वो नितिन गडकरी हैं और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही अलग अलग जगह पर नितिन गडकरी के कई सारे बयान सामने आए हैं बीते साल अगस्त में ही नितिन गडकरी ने कहा था कि मौजूदा सरकार फैसले लेने में देर करती है राजनीति के जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी के हालिया बयान को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता बल्कि उनके बीते महीने में दिए गए बयान को देखें तो ऐसा लगता है कि गडकरी और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है गडकरी के ऐसे बयान जब भी आते हैं तो हेडलाइन बनाते हैं क्योंकि मौजूदा समय में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने इस तरह के बयान देने वाले वे केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में ऐसे बेहद कम मंत्रालय हैं जिनको उनके मंत्री चला रहे हैं जिसमें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आदेश नहीं आते हैं बल्कि मंत्री स्वयं फैसला लेते हैं परिवहन मंत्रालय उनमें से एक है आप 2014 से पहले सड़क को लेकर किए गए काम को देखिए और अब देखिए पहले देश में सड़क बनाने की गति दो किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी आज वो 28 किलोमीटर से अधिक है गडकरी जब परिवहन मंत्री बने थे तो उन्होंने 60 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का टारगेट रखा था उनके बयान को ऐसे देखा जाना चाहिए वे चाहते हैं कि वोटर उनके काम को देखें और वोट करें और इसलिए वो लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे ये समझाना होगा और समझना होगा कि इशारों में भले ही उन्होंने ये बात कही हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके काम में तेजी आई है कौन कौन से ऐसे नेता होगा जो बेहतर काम करते हुए राजनीति छोड़ने की बात कहेगा केंद्र में मंत्री बनने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए मुंबई में 50 से अधिक फ्लाईओवर बनवाए थे जो अपने काम और मेहनती अंदाज के लिए जाने जाते हैं जमीनी स्तर पर उनके काम के कारण उनकी पार्टी में और अपने क्षेत्र में काफ़ी अधिक लोकप्रियता है संघ का समर्थन और नागपुर से दिल्ली की एंट्री की अगर बात करें तो साल 2009 में जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था बावन साल के गडकरी पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की मैंने कार्यकर्ता के रूप में दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं और आज पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जब पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी से ये बात कर रहे थे तो उनके साथ अरुण जेटली सुषमा स्वराज लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी मंच पर बैठे हुए थे साल 2010 में जब इंदौर में बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी तो लगभग चालीस हजार से ज्यादा कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे थे पार्टी में उनकी खूब लोकप्रियता थी उस वक्त जब बैठक का आखिरी दिन था तो गडकरी ने मन्ना डे का एक गाना गुनगुनाया था जिंदगी कैसी है पहेली कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए ये गाना गडकरी के राजनीतिक सफर को सरलता से बयान भी कर सकता है कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने अपना संविधान बदला था आज वही गडकरी ना तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा हैं और ना ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं नागपुर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक देश पांडे लंबे वक्त से संघ और बीजेपी को कवर करते रहे हैं वो कहते हैं 2009 में संघ के सुझाव पर ही नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था तब तो आर का आज के मुकाबले पार्टी में वर्चस्व काफी अधिक था लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस ने ऐसा करके कई लोगों को नाराज कर दिया उन्होंने उस वक्त बीजेपी में कड़ी बड़ी नेता होते हुए जैसे सुषमा स्वराज अरुण जेटली मुरली मनोहर जोशी आडवाणी ये लोग इस बात से आहत थे कि नागपुर से एक कम उम्र का जूनियर लड़का पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है जबकि सुषमा स्वराज हों या अरुण जेटली उन लोगों की राष्ट्रीय राजनीति में अधिक साख हुआ करती थी जब गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात आई उस वक्त तक पूर्ति समूह के घोटाले का मामला चर्चा में आ चुका था जिसमें सर्वे सर्वा गडकरी ही थे हालांकि बाद में इस मामले में गडकरी के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया लेकिन वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सके बीजेपी को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार मानते हैं कि उस वक्त बीजेपी का ही एक धड़ा पूर्ति घोटाले को लेकर खबरें लीक किया करता था ये वो लोग थे जो गडकरी को पसंद नहीं करते थे नितिन गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं बचपन से ही गडकरी आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे वे नागपुर के महल के रहने वाले हैं महल वो जगह है जहां संघ की पहली शाखा लगी थी तो ऐसे में उनका संघ के लिए झुकाव स्वाभाविक सी बात है संघ के एक बड़े विचारक ने उस समय बातों बातों में बताया था कि अगर नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं संघ का एक बड़ा तबका चाहता था कि गडकरी का नाम सामने आए लेकिन पार्टी के नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा माहौल तैयार किया गया था इसलिए आर उस वक्त कुछ कर नहीं पाया और गडकरी को नागपुर वापस आना ही पड़ा तो एक प्रतिस्पर्धा तो थी जिसमें जाहिर सी बात है कि संघ को पीछे हटना पड़ा था साल 2014 की शुरुआत में संघ के एक व्यक्ति ने यह भी बयान दिया था कि मोदी दीर्घ दोषी व्यक्ति हैं दीर्घ दोषी मतलब यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक के लिए अपनी नापसंदगी को लंबे वक्त तक रखता है ऐसे में अगर वो किसी नेता या कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते हैं तो उनकी नापसंदी लंबे वक्त तक जारी रहती है ऐसा कहा जाता है कि साल 2013 तक पार्टी का अध्यक्ष रहने के बाद संघ चाहता था कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों जब साल 2014 में मोदी सरकार की कैबिनेट बनी तो मन गडकरी उसमें हैवीवेट मंत्री माने जाते थे उन्हें परिवहन मंत्रालय के साथ साथ जहाज रानी मंत्रालय भी दिया हुआ था साल 2017 में उमा भारती से जल संसाधन मंत्रालय को लेकर भी गडकरी को ही दिया गया चौदह में जब गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई तो उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था लेकिन मोदी 2.0 यानी कि दूसरी सरकार में उनका हैवीवेट पोर्टफोलियो कम कर दिया गया इस बार उन्हें परिवहन मंत्रालय तो मिला लेकिन जल संसाधन मंत्रालय नहीं दिया गया इसकी जगह एम एस एम ई यानी लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला लेकिन 2021 में यह मंत्रालय भी उनसे वापस ले लिया गया जब बीते साल महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा चल रहा था और एकनाथ नाथ के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ही पिक्चर में दिखाई दिए जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े कद का नेता होने के बावजूद भी गडकरी इन सब से दूर ही रहे नितिन गडकरी को पार्टी की राजनीति से दूर रखने की लगातार कोशिशें हो रही हैं लेकिन उनका जिस तरह का काम है जिस तरह परिवहन मंत्रालय मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्रालयों में से एक है ऐसे में उनसे ये मंत्रालय लिया नहीं जा सकता है क्योंकि उनके पास ऐसा करने की वजह नहीं है ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि वो एक बेहतरीन मंत्री से उसका मंत्रालय वापस ले लें ऐसा नहीं लगता है कि अब 2024 से पहले वह ऐसा करने की प्रयास भी कर सकते हैं कई जानकार मानते हैं कि संघ में जबरदस्त पैठ रखने वाले गडकरी को मोदी शाह कि बीजेपी में एकदम दरकनार नहीं किया जा सकता है इससे संघ परिवार भी नाराज हो सकता है अलग अलग समयों पर अलग अलग मंत्री या नेता मोदी या शाह के खिलाफ सुर अपने तेज करते रहते हैं ऐसे में कभी कभी ये भी कयास उठते हैं कि मोदी और शाह की बीजेपी में सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है नितिन गडकरी भी उन्हीं नेताओं में से एक है हालांकि उनके मंत्रालय और उनके कार्य करने की शैली के सभी लोग कायल हैं कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल वो भी इस बात को अलग अलग तौर तरीके से मानते रहते हैं कि हाँ गडकरी का काम हमेशा अच्छा ही होता है और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने के साथ ही वो मोदी के भी प्रतिद्वंदी बन जाते हैं ऐसे में मोदी के उनसे ईर्ष्या होना या बीजेपी में सब कुछ ठीक ना होना ये कोई आम बात नहीं है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मनमुटाव और मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन क्या ये मनभेद और मत बुदाओ किसी प्रतिद्वंदिता को जन्म दे रहे हैं क्या गडकरी और उनके साथ के कई मंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी का समय अब जल्द ही जाने वाला है क्या किसी प्रतिद्वंदिता की सुखबगाहट हो रही है क्या कोई अलग खेला बीजेपी के अंदर खेला जा सकता है इन सब बातों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर इस वीडियो से रिलेटेड ले आपके कोई विचार हों तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे शेयर ज़रूर करें आपके विचारों को हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपने चैनल पर और आपके विचारों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश अवश्य करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद